आप अगर भारतीय रुपए में देखेंगे तो लाखों करोड़ों में जाएगा, और यह बताता है पाकिस्तान की माली हालत है क्या। और यही पर एक कहावत आती है कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। पाकिस्तान के पास खाने को पैसे नहीं है और आंख दिखाता है भारत को कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए, पहले आप पाकिस्तान की जीडीपी का ये पूरा मैथ समझिए और समझिए कि पाकिस्तान किस तरह से घरेलू प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है। इतना ज़्यादा फंसा हुआ है कि हर समय इमरान खान केवल भारत भारत और कश्मीर कश्मीर का राग अलापते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इंटरनल प्रॉब्लम्स में फंस गए तो कभी भी सरकार चली जाएगी। इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कोरोना संकट तक कर्ज वसूली रोकने का अनुरोध किया है। कोरोना संकट तो पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। पाकिस्तान का कर्ज इस साल बढ़कर 37,500 अरब पाकिस्तानी रुपए, देखिए 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, 37,500 अरब पाकिस्तानी रुपए, यानी जीडीपी का 90% हो जाएगा, यानी पूरी की पूरी जीडीपी लगभग वहां पर पाकिस्तान का के बराबर उस पर कर्ज हो जाएगा। पाकिस्तान सिर्फ इस साल ही कर्ज चुकाने पर 2800 अरब रुपए खर्च करेगा, केवल इस साल कर्ज चुकाने पर। और 2 साल पहले जब पाकिस्तान में पीटीआई की सरकार यानी इमरान खान जब सत्ता में आए थे, तब देश पर 24,800 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। तो इमरान खान ने कैसे कर्जे को ऊपर बढ़ाया है आप समझिए। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के बर्ताव से नाराज सऊदी अरब ने पहले ही वित्तीय मदद रोक दी है। ना केवल वित्तीय मदद रोकी है बल्कि अपने अपने पैसे को वापस मांगा है और पाकिस्तान से कहा है कि जल्दी से जल्दी जो आपको पैसा दिया गया है वो वापस किया जाए। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।